आज मैं आप लोगों के साथ पाइका डिसऑर्डर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली पाइका डिसऑर्डर जो है फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर की कैटेगरी में से एक है। इस डिसऑर्डर की वजह से बच्चे की पर्सनल लाइफ तो बेहद डिस्टर्ब हो जाती है और बच्चे की लाइफ के साथ जुड़े जितने भी रिलेशन होते हैं वो भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। इसमें ये होता है कि बच्चा ऐसी चीजें खा रहा होता है जिसमें बिल्कुल भी न्यूट्रिशन नहीं होते और इसकी वजह से बच्चे की जो पर्सनल लाइफ वो डिस्टर्ब हो जाती है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो जाती है और या फिर उन्हें हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। अब वो डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं? जो बच्चे जो हैं वो मट्टी खाते हैं या रेत खाते हैं या सीमेंट खाते हैं और इसको एक ग्रुप के अंदर रखा जाता है जिसे कहते हैं जियोफैजिया। जियोफैजिया में जितने भी रेत मट्टी सीमेंट और इस तरह की डर्ट या डस्ट वगैरह शामिल होती है इस ग्रुप के अंदर, बच्चे बहुत शौक से खा रहे होते हैं लेकिन इन चीजों के खाने से बच्चे को कोई फायदा नहीं होता बल्कि और कोई जो है फिजिकल डिजीजेस इस बच्चे को लग रही होती है। इसके अंदर न्यूट्रिशन की वीकनेस हो रही होती है, बच्चा दिन ब दिन कमजोर हो रहा होता है, बीमार हो रहा होता है, स्कूल से मिस हो रहा होता है। और जो बच्चे जो है पत्थर खाते हैं, मुख्तलिफ़ की बजरी खाते हैं, रोग खाते हैं, इसे कहते हैं लिटोफैजिया। लिटोफैजिया में ये होता है कि पत्थर स्टोन या हार्ड शेप की जो चीज़ें हैं वो खाते हैं और इनकी वजह से बच्चे की बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है, सोशल लाइफ डिस्टर्ब होती है, ऑक्यूपेशन लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है, बल्कि एजुकेशन लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। और कुछ ऐसे केसेस भी देखे जाते हैं हमारे माशरे में कि बाज दफ़ा तो वो चीज़ें एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रही होती हैं लेकिन कुछ चीज़ें जो है खुद फैमिली जो है प्रोवाइड कर रही होती है। तो वो क्या है? वो है पैगोफैजिया। पैगोफैजिया जो है पाइका डिसऑर्डर की कैटेगरी की सब टाइप में से एक जो है वो है। इसमें बच्चा जो है बर्फ बे इंतहा खाता है। घर का कोई भी फ्रीजर के पास जाता है और बच्चा फौरन से भागकर वहां चले जाता है और रोना शुरू कर देता है, चीखना शुरू कर देता है और घर वालों को तंग कर कर सारा घर जो है सर के ऊपर उठा के रखता है और घर वाले मजबूर होकर उसे बर्फ दे देते हैं। बाज दफा ऐसा होता है कि फैमिली वाले खुद जो है बच्चे की चीखने चिल्लाने से बचने के लिए बर्फ निकाल कर दे देते हैं और ज्यादा मकदार में बर्फ खाने की वजह से बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं और इसकी वजह से बच्चे की पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ और ऑक्यूपेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि बच्चे को बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही होती है बर्फ खाने को और वो कहीं पर भी हो बर्फ उसके पास होनी चाहिए। तो इसलिए ये जो चीज है, ये जो कैटेगरी है, इसको फैमिली जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट कर देती है। कुछ बच्चे जो है बाल खाते हैं, इसके अलावा बाल मवेशी खाते हैं, धागा खाते हैं, तो इसे एक अलग ग्रुप के अंदर रखा जाता है जिसे कहते हैं ट्रिकोफैजिया। ट्रिकोफैजिया के अंदर बाल मार चीनी खाने वाले बच्चों को रखा जाता है ताकि ये जो बच्चे हैं इजीली डायग्नोस हो सके और इसका ट्रीटमेंट प्लान बन सके। कुछ बच्चे जो हैं वो माचिस की जली हुई तीली खाते हैं, मैस्टिक्स खाते हैं। उसमें क्या होता है कि बच्चा अपने लिए वेट कर रहा था घर के अंदर कि जैसे ही मदर जाएगी रूम के अंदर या फिर किचन के अंदर जहाँ उसने जाकर स्टोव को ऑन करना है वो वेट कर रहे होते हैं कि माचिस की तीली जले और हम जाकर वो खाएं। ये बहुत खतरनाक बात अगर किसी सामने आता है कि फैमिली को पता होता है कि हमारा बच्चा जो है ये मैस्टिक जो है खा रहा है जिससे नुकसान भी है। इससे नुकसान क्या होता है? अक्सर फैमिली ये देखते हैं कि हमारा बच्चा जो है ना किचन के अंदर बार बार जाता है। अब किचन के अंदर जाकर पहले माचिस की तीली को जो है आग लगाएगा, आग लगाकर उसके बुझने का वेट करेगा और ज्यादा से ज्यादा जलाने की कोशिश करेगा ताकि उसके पास ज्यादा से ज्यादा जो मटीरियल है जला हुआ उस मैस्टिक्स का वो खाने को मिल सके। और इससे बाद में बच्चा जो है अपने हाथ भी जला लेता है, अपना खुद से और भी कोई ऑर्गन जिसम का जला सकता है और इवन के कुछ ऐसे केसेस देखे गए हैं कि जिसकी वजह से पूरा का पूरा घर भी है बच्चे जो है इसकी वजह से जला देते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचता इवन के पूरे घर को नुकसान पहुंचता है, पूरे घर के अंदर मौजूद जितने भी लोग रहते हैं उनको भी नुकसान पहुंच सकता है क्योंकि बच्चे के अंदर ये क्रेविंग जो है मैस्टिक्स खाने की बहुत ज्यादा होती है और बच्चा बाद में तो पॉकेट में माचिस लिए घूमता है। इसके बाद आते हैं एकोफेजिया। एकोफेजिया बेहद खतरनाक है। इसमें बच्चा मुख्तलिफ किस्म की शार्प चीजें खाता है, कोई कील खा लिए, कोई ब्लेड खा लिया
या इस तरह की खतरनाक चीजें खाता है, जैसे कि फादर ने जो है जैसे शेक की और ब्लेड फेंक दिया है बाहर और वो प्रॉपरली जो है डिस्ट्रॉय नहीं किया तो बच्चे ने वो उठा लिया और खा लिया। इन केसेस के अंदर देखा गया कि बच्चे की जो है सडन डेथ भी हो जाती है, और बाद दफा ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जो हॉस्पिटल सेटिंग में डायग्नोज होते हैं और जिनकी वजह से बच्चा जो है सारी जिंदगी बोल नहीं सकता, क्योंकि उनके जो वोकल कार्ड होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जो गले के अंदर वेन्स होती है वो डैमेज हो जाती है। इसके बाद एक और खतरनाक चीज है हेलोफेजिया। हेलोफेजिया में ये होता है कि बच्चा जो है वो मुख्तलिफ किस्म की शीशा जो है ग्लास जो है उसके टुकड़े खाता है। अब ये डिपेंड करता है उस शीशे की नोयत पे, उस ग्लास की नोयत पे, वो कितना शार्प है और कितना को नुकसान पहुंचा देने वाला है। अगर तो वो ज्यादा शार्प है तो बच्चे की खाते ही फौरन से कोई डैमेज कर देगा, इंजरी कर देगा, जिसकी वजह से बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ सकता है और या फिर बच्चे की जो है सडन डेथ हो जाती है। इसके बाद आता है मोकोफोबिया। मोकोफोबिया में ये होता है कि बच्चे के अंदर जो है बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है अलीते हुए जानवर खाने की, चूटी पकड़ी वो खा ली उसकी तलाश में रहेगा, कोई ऐसा रेंगने वाला जानवर पकड़ लिया जिसको खाने से मजा आया और वो घर के अंदर तलाश कर रहा था, अगर घर के अंदर ना मिले तो पूरे के पूरे जो उसका इन्वायरमेंट है जिस एरिया में वो रह रहा था उधर घूमने की कोशिश करता है। और बाद दफा ऐसे केसेस भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं क्योंकि बच्चे के अंदर वो फीलिंग्स नहीं होती जो एक्चुअल में डेवलप होनी चाहिए सही और गलत की, और क्योंकि बच्चा जो है कंफ्यूज होता है कि ये चीज है और नहीं है, एक्चुअल में वो ऐसी खतरनाक चीजें भी खा जाता है जिसके अंदर जहर मौजूद होता है और जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है और इवन उनकी डेथ भी हो जाती है। कुछ बच्चे जो है वो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े खाते हैं, लकड़ी की वो बांस रखते हैं उसको चौंक करते रहते हैं चिंगम की तरह और खाते रहते हैं, बारीक बारीक करते रहते हैं और इवन के पॉकेट के अंदर ये भी घूमते हैं। इसे कहते हैं ज़ाइलोफेजिया। ये थी डिफरेंट टाइप्स पाइका डिसऑर्डर्स की, जिसकी वजह से बच्चे की पर्सनल लाइफ तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है, सोशल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है, एजुकेशन लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है, ऑक्यूपेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है। इसका जो ऑनसेट है ये है 3 साल से लेकर 4 साल के अंदर, और बहुत सारे केसेस जो है डायग्नोज किए जाते हैं जब बच्चे हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर आते हैं, जब बच्चे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं और जिनकी वजह से बच्चों की पर्सनल और सोशल लाइफ टोटली डिस्ट्रॉय होती है, क्योंकि बच्चे जब भी हॉस्पिटल में आते हैं सीवियर और क्रॉनिक कंडीशन के साथ आते हैं। तो ये अगर सिम्टम्स बच्चे के अंदर मौजूद हैं तो ये एक खतरे की निशानी है, क्योंकि जान लेना बहुत जरूरी होता है, ये एक जहन की बीमारी है जिसकी वजह से बच्चे की ये कंडीशन हो जाती है, बच्चा ये चीजें खाने पे मजबूर हो जाता है। इसका जो प्रॉपरली डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो ये है कि बच्चा ऐसी चीजें खाता है जिसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होते और जिसकी वजह से बच्चे की पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है और एजुकेशन लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है। ये जो सिम्टम है कम से कम 6 माह से 1 साल तक मुसलसल बच्चे के अंदर मौजूद होने चाहिए और एक दिन में कई बार बच्चा इस तरह का बिहेवियर शो करता हो, इस तरह की एक्टिविटीज में मुलव्वस हो तब जाकर डायग्नोज किया जाता है। अब मैं बात करता हूँ इसकी डिफरेंट काजेज के ऊपर। डिफरेंट काजेज जो हैं इसकी जेनेटिक्स हैं या डिफरेंट जो है ब्रेन के अंदर जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं उनके अंदर इम्बेलमेंट की वजह से होते हैं। बच्चे को कौन कौन से नुकसान उठाने पड़ते हैं, सबसे पहले कि अगर कोई खतरनाक चीज़ खा ली है बच्चे ने तो उसकी फौरन से डेथ हो जाती है, अगर कोई शार्प चीज़ खा ली है तो उससे कोई इंजरी हो सकती है, वेन के अंदर बल्कि वोकल कॉर्ड जो है डैमेज हो सकती है, पेट के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक के अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इवन के हार्ट अटैक हो सकता है कि बच्चा कोई ऐसी चीज़ खा लेता है जिसमें लीड की मकदार बहुत ज़्यादा है और जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और इवन के दिल का दौरा और हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस तरह के बच्चे जो हैं उनका वेट रोजाना की बेस पे डेली ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ आ रहा होता है और इन बच्चों के अंदर एक ऐसी जो है बीमारी होती है जिसमें जो फिजिकल कंडीशन होती है वो दूर से पहचानी जाती है, पेट जो है बाहर खोया होता है, टांगें जो है बिल्कुल बारीक हुई होती हैं और बालू बहुत बारीक हुए होते हैं और पेट फूला हुआ होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी होती है।
इसका ट्रीटमेंट प्लान जो है क्यूरेबल भी है, बाज दफा बढ़ती हुई उम्र के साथ अगर लेट डायग्नोज किया जाए तो ये मैनेजेबल भी है। इसमें मेडिकेशन भी होती है, जो साइकेट्रिस्ट जो है मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा जो है साइकोलॉजिस्ट जो है बच्चे की फैमिली की फैमिली काउंसलिंग करते हैं, फैमिली को गाइड करते हैं। अगर बच्चा जो है काउंसलिंग के लायक है, बच्चे की 4 साल से उम्र ज़्यादा है, तो बच्चे के साथ काउंसलिंग सेशंस जो है अटेंड करते थ्रू बिहेवियर टेक्निक और सीबीटी डिफरेंट थेरेप्यूटिक प्रोसीजर को मद्देनजर रखते हुए बच्चे की जो जिंदगी है उसको अच्छा रखते हुए एक प्लान तैयार करते हैं और उसके ऊपर वर्क करते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो होता है उसकी फैमिली का होता है, उसके पीयर ग्रुप का होता है और उसके जो टीचर्स होते हैं उनका होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।